साई प्रसाद का जन्म त्रिचनापल्ली के लालगुड़ी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। जन्म से ही रीढ़ की हड्डी में परेशानी होने के कारण 13वें दिन एक ऑपरेशन करना पड़ा, जिससे ये बात सामने आई कि साई के शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए बेजान हो गया है। लेकिन ये शारीरिक कठिनाई साई को कभी रोक नहीं पाई और साई ने कुछ ऐसा करने की ठानी जो शायद आमतौर पर लोग करने से हिचकिचाते। साई मुझे बताइए, ये जो स्काईडाइविंग आपने की है, मैंने भी बड़ा सोचा है, कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे भी करनी है। मेरी वाइफ और मैं डिस्कस करते हैं स्काईडाइविंग करना है, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। आपने कैसे हिम्मत जुटाई और आपने ये क्यों किया? पहले तो मुझे ये बताना चाहिए कि मैं आपकी मूवीज़ का बड़ा फ़ैन हूँ, स्पेशली रंग दे बसंती का। ओके, उसमें आप देखते हैं भगत सिंह का कैरेक्टर होता है जो कहता है कि जो ऊंचा सुनते हैं उन्हें एक धमाके की ज़रूरत होती है। हाँ हाँ। और उस डायलॉग से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने ये सोचा कि मुझे भी कुछ धमाका करना चाहिए ताकि लोग सुने। ये सुने कि अगर कोई बच्चा विद डिसेबिलिटी एक मामूली गांव में पैदा हो, जो बस चढ़ने से डरता हो, जो एग्ज़ाम को लेट जाने से डरता हो, जो तीन तीन मालियाँ चढ़ने से डरता हो, जिसको मुश्किल होती है हर एक बात पर, वो कुछ ऐसा कर दे कि अपना देश ही नहीं पूरा दुनिया दंग रह जाए। तो क्या